हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। बाल भी ठीक नहीं किया है मैंने अभी तक, तो बस एक्चुअली अभी मैं आई थी यहाँ पे। मैं भूल जाती हूँ यार, मैं किचन में किस लिए आती हूँ, बाथरूम में बोलने वाली थी। अभी मैं किचन में किस लिए आती हूँ, तो बस सुबह सुबह चाय बनाने आई थी। सबसे पहले ले लेती हूँ गर्म पानी, गर्म पानी रख देती हूँ गर्म करने के लिए, और उसके बाद चाय बनाऊँगी और मम्मी के लिए कॉफ़ी बनानी है, तो मम्मी के लिए कॉफ़ी बनाऊंगी। वो चाय नहीं पीते हैं ना, इसी वजह से। तो चलिए जल्दी से गर्म पानी रख देती हूँ। है गर्म पानी इसमें, मतलब गर्म पानी बोल रही हूँ, है पानी इसमें, तो ऑन। चलो गर्म पानी ले लूँगी। और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि वेट लॉस के लिए अभी क्या कर रहे हो, तो फिलहाल तो वेट लॉस के लिए ऐसे मतलब प्रॉपर कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बट आपको बता दूंगी जो भी, जब भी वेट लॉस के लिए स्टार्ट करूंगी ना वेट लॉस करना, अभी तो ले रही हूँ वैसे, ऐसा कुछ नहीं कि एकदम से बंद है। एक्सरसाइज टोटल बंद है, क्योंकि घर पे काम चल रहा है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है, मतलब ऐसे टाइम तो मिल नहीं रहा है, टाइम भी नहीं मिल रहा है वैसे, और जगह भी नहीं मिल रही है मुझे तो एक्सरसाइज के लिए ऐसे। और नीचे ना आप लोगों को पता होगा कि काम जब चलता है तो फ्लोर बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है, इस वजह से मेट, वो जो योगा मेट है मेरी, वो पता नहीं कहाँ रखी है, मतलब टाइम पे चीज़ें भी नहीं मिल रही है, तो इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। अभी जब भी स्टार्ट करूँगी ना आपके साथ शेयर करती रहूँगी, जल्दी ही स्टार्ट करने वाली हूँ, मतलब जैसे कि अभी ये पूरा ख़त्म हो जाए, मतलब ये काम ख़त्म हो जाए और पूरा प्रॉपर मैं अपने अपनी जगह पे जो जो चीज़ें हैं वो लगा दूँ। मेरे घर पर इतना ज़्यादा गलाटा पड़ा है, गलाटा मीन्स मेरा जो मतलब कॉमन वर्ड है वो गलाटा है, जैसे कि मराठी में गलाटा बोलते हैं, कुछ कुछ लोग बोलते होंगे, कुछ कुछ लोग नहीं। मैस बहुत ज़्यादा मिस पड़ा है, मतलब मेरी चीज़ें खुद को ही नहीं मिल रही है। उस दिन मैं सेफ्टी पिन ढूंढ रही थी, सेफ्टी पिन भी एक जगह पे नहीं मिल रही थी, मतलब इतना ज़्यादा मेसी पड़ा है मेरा घर अभी। तो वैसे ब्लॉग में आपको नहीं दिख रहा होगा, बट जो मुझे चीज़ें चाहिए ना वो जगह पे नहीं मिल रही है, तो मैं जब ऑर्गेनाइज कर लूँगी अपना रूम, एक मिनट बंद कर दूँ, तो मैं जब ऑर्गेनाइज कर लूँगी ना अपना रूम, तब जाके मुझे सुकून मिलेगा, तब जाके मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं हाँ यार अभी हो गया है सब कुछ अच्छे से, तब जाके मैं अपना रूम टूर भी आपके साथ शेयर करूंगी, माही का रूम टूर भी आपके साथ शेयर करूंगी, पूरा टोटल घर ही आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, कैसे ऊपर का तो काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इधर का सामान ऊपर शिफ्ट करेंगे, थोड़ा सा उसको जमाने में टाइम लग जाएगा, उसके बाद यहाँ पर क्लीनिंग करने में टाइम लगेगा। यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी जगह है कि वहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई है, वो मतलब बाहर निकालनी है, जो चीज़ें चाहिए वो घर पर रखूँगी, जो नहीं चाहिए वो आउट कर दूँगी, ऐसी चीज़ें बहुत सारी है। और मैंने कुछ ऑर्डर भी किया है, मतलब होम डेकोर के लिए, होम ऑर्गेनाइजेशन के लिए और किचन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऑर्डर की है जो मुझे चाहिए, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे किचन ऑर्गेनाइज करने के लिए अपना। वैसे किचन ऑर्गेनाइज है मेरा, बट ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जो मुझे सामने चाहिए होती है, बार बार मुझे जैसे कि स्टोर रूम में जाना पड़ता है, तो बार बार वो चीज़ें लाने के लिए जाना पड़ता है, तो इसी वजह से मुझे ऐसे चाहिए कि मैं यहाँ पर ही सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करूँ और आँखों के सामने दिख जाए, जो भी अगर ये भी काम कर रहे हो ना किचन में, तो आँखों के सामने दिख जाए उनको सारी चीज़ें। तो मैं स्टोर रूम टूर भी आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है आप लोगों का, आई नो, बट क्या करूँ यार, बीच बीच में सारी चीज़ें आ रही है ना, तो जल्दी से ये मेरा काम ख़त्म हो जाए। अभी वो भैया भी काफ़ी दिन से नहीं आ रहे थे, 4-5 दिन हो गए नहीं आ रहे थे, अभी उनको भी कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उनको स्टोन का प्रॉब्लम हो गया था, किडनी स्टोन होता है ना, तो इसी वजह से वो हॉस्पिटल में थे, तो अभी वो आए हैं, तो आज से वो काम भी स्टार्ट करेंगे अपना, और मैं आपको दिखा भी दूंगी आगे कि क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या काम वो कर रहे हैं। और आज वो भैया भी आने वाला है दोबारा से कैमरा लगाने के लिए, तो वो भैया भी काम करेंगे, उनको कैमरा का वो पूरा आज चलता ही रहेगा, बहुत ज़्यादा आज पूरा घर में ऐसे होने वाला है मेरा, आगे आप देख ही लोगे, क्योंकि कैमरा हमें बहुत जगह पर लगाने हैं, क्योंकि अगर ऊपर में रहूँगी ना तो नीचे का सारा पता चलना चाहिए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बच्चे रहते हैं कभी नीचे, कभी मम्मी अकेली नीचे रहती है तो प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसी वजह से मम्मी को यहाँ का इतना ज़्यादा पता नहीं है, तो अभी मम्मी नहीं नहीं यहाँ पर आई है रहने के लिए, तो इतना ज़्यादा नहीं पता है, तो सारी चीज़ें मैं ध्यान रख सकूँ, क्योंकि मैं अगर मेरी बेडरूम ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, मैं अगर काम में रहूँ तो मेरे सामने डिस्प्ले में दिखाई दे वो सारी चीज़ें जो चल रही है घर में, तो इसीलिए हम लोग कैमराज भी लगा रहे हैं,
तो ये सारी चीज़ें, वैसे भी सेफ्टी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब सेफ्टी रखनी पड़ती है। जैसे कि अभी यहाँ पर आप लोगों को पता होगा, अगर आपने बाहर से देखा है तो आपने देखा होगा कि मेरे घर के आजू बाजू में घर ही नहीं है। तो अभी इधर से बन रहा है तो यहाँ पर भी काम चलते रहता है, रात को भी काम चलता रहता है, तो इसी वजह से कैमरा ज़रूरी है। बाहर से लगाए हुए थे कैमरा, लेकिन अंदर जो जो जगह चाहिए मुझे वो जगह पर नहीं थे, तो इसी वजह से उस जगह पर भी चाहिए। तो चलिए फिर थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आपसे, गर्म पानी ले लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। एक्चुअली मैं नहाने गई थी और मुझे सडनली याद आया कि आपने मुझे एक ही क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि आपने रूट कैनाल के लिए कैसे कैसे क्या किया, आप रूट कैनाल का एक्सपीरियंस बताओ। तो बहुत बार पूछा था और वो मैं भूले जा रही थी, भूले जा रही थी। अभी सडनली याद आया तो मैंने सब कुछ काम छोड़ दिया और मैंने सोचा चलो आपको बता देती हूँ कि क्या एक्सपीरियंस था मेरा और मुझे कैसे कैसे करना पड़ा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले ना मेरे बहुत ज़्यादा दाढ़ जो होती है, जो हमारे मराठी में दाढ़ बोलते हैं उसे, जो पीछे का दांत होता है, बहुत बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो पहले ये दांत दर्द कर रहा था तो इसी वजह से मैंने इग्नोर किया वो, चलो जा रहे तो इस दांत से खाना हो रहा है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये भी दांत दर्द करने लगा तो फिर मैंने सोचा चलो यार क्या कर सकती हूँ। आपको बताया था मैंने पिछली बार कि बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, मैं खा पी भी नहीं पा रही हूँ और मैं सादा खाना भी खाती थी ना और सादा फिल्टर का पानी भी पीती थी ना, तो बहुत ज़्यादा दांत में दर्द होता था, इसी वजह से मैं बिल्कुल खा पी भी नहीं पा रही थी। तो मैंने क्या किया, फिर डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर को पूछा कि ये क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर ने जब चेक किया तो बोला कि पूरी अंदर से दांत जो है सड़ गया है, अंदर से दाढ़ सड़ गई है पूरी की पूरी, अब इसका रूट कैनल ही करना पड़ेगा, कोई सोल्यूशन नहीं है दूसरा। तो मैंने उनको बोला कि आप वो सीमेंट भर दो, तो बोले कि सीमेंट भरने से भी कोई फायदा नहीं होगा, अंदर से अगर वो सड़ गया है ना तो फिर वो सड़ते ही जाएगा अंदर से, उसको जब तक क्लीन नहीं करेंगे ना अंदर से, मतलब रूट कैनल नहीं करेंगे तब तक उसका सोल्यूशन ही नहीं है दूसरा अभी। तो मैंने बोला ठीक है आप रूट कैनल कर लेते हैं, और इस दाढ़ में मैंने सीमेंट भरा लिया और इस दाढ़ का रूट कैनल कर दिया। तो वो उसका क्या किया, तो उसका क्या होता है कि उन्होंने बोला कि मुझे वो पेनलेस ट्रीटमेंट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, बिल्कुल पेनलेस होगी, उसमें एनेस्थीसिया दिया जाएगा और फिर आपको बधिर किया जाएगा, मतलब वो सुन किया जाएगा और उसके बाद वो ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी। और एक ही दिन की ट्रीटमेंट है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा मुझे लगा था, उससे भी कम लगा था। और वो यहाँ के डॉक्टर नहीं है, मतलब नागपुर से डॉक्टर आए थे और उन्होंने वो मेरा ट्रीटमेंट किया था। तो जहाँ पर भी मैं गई थी उसका मुझे खर्चा लगा था लगभग 7,000, मतलब 7,000 लगेगा, सॉरी 4,500 रुपये मुझे इसका लगा था, रूट कैनल का। और कैप उसको बिठानी पड़ती है, तो कैप मैंने अभी तक नहीं बिठाई है क्योंकि उनके मतलब जो मैंने उनको कॉल किया था तो कैप बिठाने के लिए, कैप कुछ दिनों के बाद बिठाई जाती है, तो कैप बिठाने के लिए जब मैंने उनको कॉल किया तब उन्होंने बोला कि उनके ससुर जी को कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो इस वजह से उन्होंने बोला कि आप कुछ दिन के बाद आना, हम लोग कॉल करेंगे आपको। तो अभी तक उन्होंने भी कॉल नहीं किया और अभी तक मैंने भी उनको कॉल नहीं किया क्योंकि मैं भूले जा रही थी और काम भी बहुत ज़्यादा है घर पे, तो इसीलिए मैंने भी उनको कॉल नहीं किया। तो उससे क्या प्रॉब्लम हुआ मुझे ये भी बता देती हूँ, कैप ना बिठाने की वजह से, कैप नहीं बिठाई ना तो उसके ऊपर मैंने 2-4 बार चबाया, जब मैं खाना खाती थी उस साइड से चबाया मैंने, अभी पेन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। उन्होंने ऐसे ट्रीटमेंट की है कि पूरा पूरा मतलब दांतों से मतलब जो मसूड़े होते हैं ना उससे वो कांटेक्ट ही खत्म कर देते हैं अपने दांत का, तो हमें पेन कैसे होगा। तो अगर वो कांटेक्ट खत्म कर देते हैं मतलब नसें काट देते हैं या क्या पता नहीं, तो वो कर देते हैं तो क्या होता है कि उसे मतलब जो कैल्शियम वगैरह है तो वो नहीं मिल पा रहा है, तो वो कैसे जिंदा रहेगी, दांत जो है अपना कैसे जिंदा रहेगा, इसी वजह से उसके ऊपर कैप बिठाई जाती है। तो वो अगर वो अंदर से खोखला हो चुका है तो अगर हम लोग चबाएंगे तो वो टूटेगा ही, तो थोड़ा सा मेरा टूट भी गया था जब मैंने 1-2 बार चबाया वहां से, तो थोड़ा सा टूट गया था। तो अभी मुझे कैप बिठानी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है, और नहीं अगर आप कैप बिठाते हो तो वो पूरा पूरा टूट जाएगा और आपको वहां से चबाना ही नहीं आएगा, मतलब उस जगह से आप चबा ही नहीं सकते हो। तो इसी वजह से कैप बिठानी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है जब आप रूट कैनाल करते हो। और क्या आप अपने मन से मतलब जैसे आप अफोर्ड कर सकते हो वैसे बिठा सकते हो कम ज़्यादा प्राइस की, तो वो तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, और सिर्फ रूट कैनल का जो खर्चा है वो जो जो भी आप हॉस्पिटल में जाओगे उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो मेरा तो 4,500 लगा था रूट कैनल का और क्या 2,500 की, ऐसे 7,000 मेरा खर्चा आएगा पूरा का पूरा। बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा,
बिल्कुल पेन नहीं हो रहा है अभी, कुछ भी करो बिल्कुल पेन नहीं हो रहा है। आप खाना खाओ या आप पानी पियो, कुछ भी पेन नहीं हो रहा है। वैसे पानी भी पीते थे तो बिल्कुल पेन होने लग जाता था, इसी वजह से रूट कैनल बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, आप पूरा दांत निकालने के बजाय आप रूट कैनल करा सकते हो, उसके ऊपर कैप बिठा सकते हो। और बस अभी मैं इधर का भी कराने वाली हूँ, क्योंकि इधर सीमेंट की वजह से इतना ज्यादा मुझे रिलीफ नहीं मिला है। सीमेंट तो कुछ दिन रहेगा, कुछ दिन के बाद निकल जाएगा और फिर गेंद लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, इधर का भी रूट कैनल कराऊंगी, बट अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो अगर आप रूट कैनल कराना चाहते हो तो आप पक्का रूट कैनल करा सकते हो, और बिल्कुल पेन नहीं होता है। आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है आपके मसूड़ों में, और उसके बाद वो बधिर की जाती है, मतलब सुन किया जाता है उसे, और उसके बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो बिल्कुल पेनलेस ट्रीटमेंट होता है, कुछ भी पेन नहीं होता है। थोड़ा सा लगेगा आपको करने के टाइम पे, मतलब पेन नहीं होगा, बट वो ऐसे औजार वगैरह चलाते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा लगेगा, बट उसके बाद नहीं। और घर पे आने के बाद भी ज्यादा पेन नहीं होता है, थोड़ा सा पेन किलर वो दे देते हैं, बट बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। अगर आप करते हो ना ट्रीटमेंट, तो अगर एक दिन आपका पेन, एक ही दिन चलेगा वो थोड़ा सा पेन, बट दूसरे दिन से आप खा भी सकते हो, उसी दिन से रात से आप खा सकते हो। वैसे आपको करना है अगर, तो आप कर सकते हो ट्रीटमेंट, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उल्टा अच्छा है, अगर आप रूट कैनल कराते हो तो आपका दाढ़ का प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो जाएगा। और आगे से ध्यान रखना कि अच्छे से ब्रश करना, रात को ब्रश करने के सोना, और सुबह भी ब्रश करना अच्छे से। मतलब सुबह तो मैं अच्छे से ब्रश कर देती, बट रात को कभी कभी भूल जाती थी ब्रश करना, तो इसी वजह से वो जो कीड़े हैं वो लग गए थे। तो अभी प्रॉपर मैं रात को ब्रश कर रही हूँ, और अच्छे से रात को ब्रश करके ही सोना है। अदरवाइज जो आपके मुंह में अनाज रह जाता है या कुछ आप मीठा वगैरह खाते हो, तो उसकी वजह से सड़न लगने के चांसेस रहते हैं। तो रात को ब्रश करके सोना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो चलिए फिर जल्दी से नहा लेती हूँ और मिलते थोड़ी देर। यहाँ पर बना रही हूँ मट्ठा। एक्चुअली मट्ठे के बिना ना अभी काम ही नहीं चल रहा है, इतनी ज़्यादा धूप पड़ गई है ना, और मुझे ऐसे पानी ज़्यादा पीने का मन करता है और खाना कम खाने का मन करता है। इसी वजह से मैं डेली मट्ठा बनाती हूँ। और मट्ठे में क्या क्या डाला है, मतलब मैं कैसे मट्ठा बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ, बताती हूँ आपको। तो मैंने पहले दही लिया है, और उसके बाद मैंने उसमें जीरा पाउडर ऐड कर दिया, उसके बाद धनिया पाउडर ऐड कर दिया। एक साथ ही सारा कुछ मिक्स कर देती हूँ ताकि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और मिक्सी में निकालती हूँ ना, तो उस टाइम मैं क्या करती हूँ कि धनिया पत्ता बाद में ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है, और काला नमक ऐड किया है, उसके बाद चीनी ऐड करूँगी। और उससे ना ब्लेंडर है यार मेरे पास, वो जो ये है ब्लेंडर बोल रही हूँ, बीटर, तो बीटर से करूँगी मैं। मुझे ना एक हैंड ब्लेंडर लेना है, वो छोटी सी होती है ना, जैसे वो एक बार फिक्स कर दे तो फिर टेंशन नहीं रहता है, तो वो वाली लेनी है मुझे। कब से लेनी है तो लेना ही नहीं हो रहा है, मैं जल्दी से ऑर्डर करने वाली हूँ उससे। और यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया है क्योंकि दही बहुत गाढ़ा था, और ये अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और इससे ना छींटे बहुत ज़्यादा उड़ते हैं यार, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान, मतलब दुगना काम बढ़ जाता है इसकी वजह से। तो इसी वजह से वो लेना ही है मुझे, तो वो ले लूँगी जल्दी से। इससे थोड़ा सा वो ऊंचा पतीला होता है ना तो नहीं उड़ते है, ऐसे पतीला होता तो जल्दी से उड़ जाते हैं। दुगना काम बढ़ गया यहाँ पे। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी और मिक्स कर दिया, क्योंकि ज़्यादा पतला होता है तो अच्छा लगता है ये, मतलब एकदम मट्ठा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस टाइम पे। और थोड़ा सा मैं बूंदी बूंदी भी ऐड कर देती हूँ ना, तो इसकी वजह से और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है इसका। तो यहाँ पर कर रही हूँ बूंदी ऐड, थोड़ी सी बूंदी ऐड कर दो और रख दो फ्रिज में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और बस यहाँ पर मट्ठा रेडी हो गया है मेरा, और खाने के लिए ले लिया है। तो खाने में क्या क्या है वो भी बता देती हूँ आपको। बहुत सारी सब्जी आया है, ये मिक्स वेज भी बची हुई है वो भी है, उसके बाद यहाँ पर मट्ठा है, और ये दाल पालक है, टमाटर की चटनी है, उसके बाद पापड़ है, करेले की सब्जी है, मतलब रात की जो सब्जियाँ बची थी वो भी ले ली थी। और हाँ, यहाँ पर क्या क्या आया है वो दिखा देती हूँ, मतलब जो मैंने ऑर्डर किया था, कुछ होम डेकोर के लिए ऑर्डर किया है, और सारे पार्सल रिसीव नहीं हो रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया है कि जो भी मैंने ऑर्डर किया है ना, अभी इतना लेट रिसीव हो रहा है, लेट भी रिसीव हो रहा है, और कुछ कुछ रिसीव भी नहीं हुआ है अभी तक। तो ये कुछ रिसीव हो गया है, कुछ पार्सल इसमें से आने हैं, तो जब भी आ जाएंगे, पूरा जब रिसीव हो जाएगा मुझे, तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी पक्का। ये सारी चीज़ें, होम डेकोर के आइटम मंगाए हैं मैंने इस बार, बहुत ही अच्छे रिसीव हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा आइटम मंगा लिए और बहुत अच्छे रिसीव हुए हैं, तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और आपको भी अच्छा लगने वाला है, एक तो लगा दूँगी तब शेयर करूँगी, एक तो लगाने से पहले शेयर करूँगी, पता नहीं अभी कब शेयर करूँगी, बट जल्दी ही शेयर करूँगी आपके साथ। बहुत अच्छे अच्छे आइटम है। उसके बाद मैंने कुछ किचन के लिए भी मंगाया है, कुछ ऑर्गेनाइज़र मंगाया है किचन के लिए,
तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बट अभी नहीं, किचन का, जब किचन का स्टार्ट करूंगी ना ऑर्गेनाइज करना तब शेयर करूंगी, क्योंकि अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है यार मुझे। क्योंकि जो भी मैं मंगा रही हूँ सिर्फ मंगा के रख रही हूँ, इतना ज़्यादा धूल और इतना ज़्यादा ये सब कुछ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जल्दी से बाकी की चीज़ें भी जो चाहिए वो मंगा लूँगी, और बस वो आपके साथ शेयर करूँगी, हो सकता है आपको भी हेल्प मिल जाए उससे, तो इसी वजह से आपके साथ शेयर करूँगी। और जब, या तो फिर मैं ऐसे सिंगल शेयर करूँगी, नहीं तो फिर ऐसा करूँगी कि किचन टूर ही शेयर कर दूंगी, जो भी ऑर्गेनाइज वगैरह मैंने किया है वैसे शेयर कर दूंगी। पता नहीं अभी क्या होगा आगे, जो भी होगा आपके साथ पक्का शेयर करूंगी, पर अभी तो मैंने बिल्कुल डिसाइड नहीं किया है, सिर्फ मैं ऑर्डर कर रही हूँ। जब भी जो भी होगा वो शेयर करने ही वाली हूँ, सब कुछ आपके साथ, सब कुछ हो जाने के बाद। और यहाँ पर कितने दिनों के बाद ये आए हैं हमारे कारपेंटर काम करने के लिए। एक्चुअली अभी तक तो काम बहुत सारा हो जाता, बट अभी काम पेंडिंग पड़ा था और यहाँ पर काम चल ही रहा है। तो पहले अभी मायका लगेगा, माही और अद्विक के रूम का, तो ये मायका लग जाने के बाद फिर मेरे रूम का, मतलब रूम को हाथ लगाएंगे वो। तो यहाँ पर मेरे रूम में ये सारी चीज़ें पड़ी है, तो ये यहाँ पर ही काम कर रहे हैं, वहाँ पर लेके जा रहे हैं लगाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा मेस वैसे के वैसे ही पड़ा है। और यहाँ पर आए थे वो वाले भैया जो कैमरा लगाने के लिए आने वाले थे, तो यहाँ पर कैमरा लगाने के लिए आ गए थे। और मेस देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर वो कैमराज वगैरह के वायरिंग वगैरह लगा रहे हैं। उसमें ही पूरा हमारा टाइम चला गया, दिन पूरा इसमें ही चला गया हमारा, कैमरा और उसमें। यहाँ पर आ गई हूँ रात का खाना बनाने के लिए। पहले तो सोचा था कि कुछ ऐसे ही खिचड़ी विचड़ी बना देती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा थके हुए थे सुबह। एक्चुअली क्या हुआ था कि थोड़ा सा भी लेटने के लिए नहीं मिला था ना, तो बैठने के लिए अच्छे से जगह पे, जैसे कि इधर काम चल रहा था तो उधर जाना पड़ रहा था, उधर काम चल रहा था तो इधर आना पड़ रहा था, ऐसे करके एक रूम में सीधे से बैठने के लिए नहीं मिला ना, तो थोड़ा सा लेटने के लिए मिला, इसी वजह से थोड़ा सा थक भी गई थी। तो इसीलिए मुझे लगा था कि मैं अभी खिचड़ी ही लगा दूँ, बट बच्चों ने बोला कि नहीं मम्मा हमें पूरी खानी है। तो यार मैंने बोला चलो पूरी बना देती हूँ उनके लिए। तो यहाँ पर बन रही है पूरी बच्चों के लिए, और बस पूरी बना लूँगी और हम लोग खाना खा लेंगे। एक्चुअली सब्जी तो सुबह की ही बहुत सारी बची हुई थी, तो इसी वजह से सब्जी तो बनानी नहीं पड़ेंगी। तो चलिए फिर, आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकॉन आएगा उसको क्लिक करना मत भूलिएगा। उससे क्या होगा कि मेरे आगे जो आने वाले वीडियोस होंगे वो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेंगे, और उसे आप सबसे पहले देख पाओगे। और मैंने इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो ज़रूर एक बार चेक कर लेना, वहाँ पर जो फोटोज़ और वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं ना पक्का आपको पसंद आने वाला है, तो वो भी ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय। चाहते चाहते लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करने में आप बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, तो लाइक करना मत भूलिएगा।